खुचरा मुद्रास्फीति पुणी 7% को वृद्धि पाई। गत किछि मास धरी 7 तळकु रही आसीथिला खुचरा मुद्रास्फीति। जुलाई मासरे एहा 6.71% रहितबा बेले अगस्त मासरे एहा 7% को वृद्धि पाई। पेट्रोल, वस्त्र, खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य सहित संपर्कित अत्यावश्यक सामग्रीर दर वृद्धिर एहा सीधासळख प्रभाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुचरा मुद्रास्फीति 6% रे रहिबा नै टारगेट रखिछि। हेले लगातार 8 मास धरी एहा 6% उपरे रहिलानी। सेपटे खाद्य पदार्थ संपर्कित मुद्रास्फीति लगातार भावे बढ़ी बढ़ी चलिछि। जुलाई मासरे 6.69% थिबा बेले अगस्त मासरे एहा 7.62% को बढ़िछि। खाद्य पदार्थर दर वृद्धि जारी रहिथिबारु एहार प्रभाव मुद्रास्फीति को सीधासळख प्रभावित करिछि। गत वर्ष अगस्त मासरे खुचरा मुद्रास्फीति 5.30% रहिथिला। एहापरे मुद्रास्फीति वृद्धि पाइथिला। एप्रिल 2022 से खुचरा मुद्रास्फीति सर्वाधिक 8.38% रहिथिला, जहाँकि सर्वकालीन रेकर्ड। जुलाई मासरे एहा 7% तळकु खसिथिले मध्य पुणी अगस्त मासरे एहा 7 को छुइबा अर्थनैतिक परिचालन उपरे चैलेंज सृष्टि करिछि। संतोष महापात्र अर्थनैतिक समीक्षक डॉक्टर संतोष महापात्र ए प्रसंग अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़े जाइंट श्रीजुक्त महापात्र आपको आलोचना को स्वागत वर्तमान समय जो खुचरा मुद्रास्फीति 7% को वृद्धि पाई ये प्रकृत में कौन इंगित करुच्ची अर्थव्यवस्थापी ट्राक को पुणि तरह आसवा के चैलेंज र देखो प्रथम हूँ मुद्रास्फीति दर दाम वृद्धि लोक हम भाव मुद्रास्फीति हूँ इनफ्लेशन है स्टेडी एंड परसिस्टेंस राइज इन प्राइस लेवल व्हेन वैल्यू ऑफ मनी फॉल। आमर से जो मुद्रास्फीति आकलन हो बर्तमान हूँ अगस्त मास मुद्रास्फीति कथा आप कहले बर्तमान रिटेल प्राइस इंडेक्स टा के एवं गत वर्ष से ही समय के प्रतिशत बढ़ी से इनफ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स एभव 12% रही प्राय 13-14 मास इनफ्लेशन रेट कम अर्थ नुहे दर दाम कमुची इनफ्लेशन रेट कम मानने रेट अफ रईज अफ प्राइस डिक्लाइनिंग धर आगे एक प्रतिशत बढ़ुता बर्तमान कम प्रतिशत बढ़ुची आपत इनफ्लेशन 6% 7% कहते ता भीतर खाद्य सामग्री 12% बढ़ी तेल चाउल डाली चीनी ये सब जो गुरा हूँ कमन लोक यूज करसेनसीआल कमोडिटी तार रेट 20-30% बढ़ुची तेज इनफ्लेशन इज नॉट एक्जैक्टली इंडिकेटर व्हाट पीपल आर फेसिंग रियल प्राइसेस से बुझा दरकार यही हूँ। अच्छा द्वितीय कथा हूँ सरकार रहा दरकार इनफ्लेशन केवल कंट्रोल नुहे अत्यावश्यक सामग्री जो डेली कंजम्पशन हो लोक मैंने साधारण लोक कमेबाण रहा जो अत्यावश्यक सामग्री दर नियंत्रण कर सरकार कौन मेकानिजम ना चेष्टा भी ना मैंने गोटाए वर्ष किसी जिनस डबल हो जाए जो गरीब को बाधुची आप रिजर्व बैंक कथा कहे जो 6% से रिजर्व बैंक टार्गेट नुहे 6% रिजर्व बैंक टार्गेट हूँ 4%+2% -2% मानते 4-6 2 कि ओवरऑल इन्फ्लेशन 2-4% इज गुड फॉर द इकोनॉमी नॉट बैड फॉर द इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन इज कैरिड विथ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ किंतु बियॉन्ड दिस इज नॉट एडवाइजेबल किंतु आम देश में कौन है आम देश में केवल इन्फ्लेशन बर्तमान ना बर्तमान अमेरिका रे इन्फ्लेशन 7-8% अच्छी यूके रे अच्छी अन्य देश में भी इन्फ्लेशन अच्छी डिफरेंस बिटवीन देयर कंट्री एंड आवर कंट्री आम देश में इनफ्लेशन सहित हूँ प्रोब्लेम रही अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हूँ 2017-18 6.1% होता इट वाज 45 इयर्स हाई बर्तमान हूँ अनएम्प्लॉयमेंट हूँ करोना बेल तो 20-25% बढ़ी से डिक्लाइन करता बर्तमान हूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट हूँ आवरेज 9-10% रही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट अनुसार बेकारी समस्या मध्ये गोटे बड़ कारण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त महापात्र आपणकर मतामत पाई। अच्छा धन्यवाद।